बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 20। एक्सरसाइज 1.3 में सिंपल मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन के क्वेश्चन हैं और उनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर वन है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर वन इज सॉल्व द फॉलोइंग मींस कि जो क्वेश्चंस दी गए हैं उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट्स इंतहाई इजी मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ एंड 1000 के साथ। तो चलो चले हम स्टार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू से। क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट वन है 619,864 मल्टीप्लाई बाय 72। चले हम स्टार्ट ले रहे हैं, पेज नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट फर्स्ट है 619,864 मल्टीप्लाई बाय 72। पहले हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। तो चले हम ये तमाम नंबर्स 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 8, 2 6 12, 2 नीचे लिख लिया, 1 कैरी, 2 8 16, 16 प्लस 1 17, 2 9 18, 18 प्लस 1 19, 9 लिख लिया, 1 कैरी, 2 1 2, 2 प्लस 1 3। इसी तरह 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक मल्टीप्लाई का साइन इंक्रीज होगा। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, एक एक मल्टीप्लाई का साइन इंक्रीज होता जाएगा। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 को 6 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 1 एंड 6। फिर उनसे जो आंसर आ जाए उन दोनों को प्लस करना है। जैसे 8 प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 8, 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 10, 0 लिख लिया, 1 कैरी, 7 प्लस 4 7, 8 9 10 11 12, 2 लिख लिया, 1 कैरी। इसी तरह 9 प्लस 1 10, 0 लिख लिया, 1 कैरी। इन तमाम नंबर्स को प्लस करके जो आंसर आ जाए वो है 44,630,208। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग। सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चन हैं। तो चले पहले हम मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। क्वेश्चन नंबर वन, 983,513 मल्टीप्लाई बाय 89। रिपीट द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रिपीट करना है, उसके बाद वर्टिकल फॉर्म में लिख ले। पहले 9 को तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 8 को इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। उनसे जो आंसर आ जाए उनको प्लस करें। जैसे 7 प्लस 0 1 प्लस 4, 6 प्लस 0 1 प्लस 1, 5 प्लस 8 13, 3 लिख लिया, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 5 लिख लिया, 1 कैरी, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17। तो 7 लिख लिया, 1 कैरी किया। नेक्स्ट नंबर पर 7 प्लस 1 8। अब आपने आंसर को भी रिपीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवीजन का। बाय डिवीजन मेथड हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 983,450 डिवाइडेड बाय 89। क्वेश्चन नंबर 4 है 983,450 डिवाइडेड बाय 89। सबसे पहले हमने क्वेश्चन रिपीट किया, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में डिवीजन सॉल्व करनी है, डिवीजन करनी है। तो जो डिवाइज़र है, जिस नंबर पर डिवाइड करना है उस नंबर को, तो उस डिवाइज़र के साथ पहले हम 2 को मल्टीप्लाई किया रफ़ वर्क में, साइड पर। रफ़ वर्क आपने हमेशा पेंसिल से करना है। फिर उसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। इसी तरह हम 8 तक, 9 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवाइज़र के साथ। फिर 89
और 98 है, तो 98 89 से ग्रेटर है। हम कर सकते हैं 89 वन ज़ार 89, इसने हेल्प की 8 की, ये 18 बन गया और ये 8 रह गया, तो 18 माइनस 9 9 आ गया, 8 माइनस 8 0, 3 को नीचे ले आए 93। इसी तरह इसकी भी सब्ट्रैक्शन हो गई, 4 4 को नीचे ले आए, 89 इससे ग्रेटर है, तो 89 0 इज 0। अब 44 5 को नीचे ले आए, तो 89 5 ज़ार 4 45, तो हम लिख सकते हैं कि 89 5 ज़ार 4 45। अब आखिर में 0 रह गया, तो 0 को नीचे ले आए, 89 0 इज 0। यहाँ पर हमारे पास कोशंट है, कोशंट आ गया 11,050 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो डिवीजन में आपने क्या करना है, हमेशा पहले रफ वर्क सॉल्व करना है। थैंक यू।